खबर एक राजनैतिक प्रेक्षापट कांग्रेस और पंचाश बस विरोधी आसन बहुत लगे ज्येष्ठ कांग्रेस नेता गोलाम नबी आजादर एय विस्फोरण सांगठनिक निर्वाचन अनुषित कर दबी उत्थन कर गोलाम नबी आजादे क्यों पदवी हेरवार आशंकत निर्वाचन अनुषित करेस राष्ट्रीय सभपतर पदर निर्वाचन पोषकता क्यों निर्वाचन आपुनी जान पड़े दलर कि समर्थन आए यह मुहूर्त सभानेत्र पक्ष एक शतांश लोकरों समर्थन ना इतिम्य तेईसको ज्येष्ठ नेतृ नेतृत्व सलनिर पत्र लिखिल स्वाक्षरकारी भर गोलाम नबी आजादो विस्फोरक पत्र पीछते सी डब्ल्यू सी पाती पुनर सभानेत्री सोनिया इलेक्टेड होने का एक ये फायदा होता है कि जब आप अगले इलेक्शन लड़ते हो तो 51% तो कांग्रेस पार्टी के आपके साथ होती है, दो या तीन लोगों के बीच में आपका विद इन द पार्टी इलेक्शन होता है तो जीतेगा वही जिसको 51% 51% वोट आएंगे, दूसरे को कहीं 15 आएंगे, तीसरे को 10 आएंगे। तो जब वो प्रेसिडेंट जीत गया और चार्ज संभालेगा तो कम से कम 51% पार्टी के लोग तो उसके साथ है। उससे क्या होती है, एक तो 51 वाला आपको प्रेसिडेंट मिल गया और जिसको 20 मिले, 10 मिले, 15 मिले, वो भी आपके साथ, उसने कहा मैं। लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट बनता है उसके साथ 1% भी नहीं होता है, क्योंकि किसी को भी हमने उठा के जो दिल्ली आता जाता है उसको उठा के हमने बना दिया प्रेसिडेंट। जनरल सेक्रेटरी ने रिकमेंड किया या गुलाम नबी आजाद ने ही रिकमेंड किया या दूसरे ने रिकमेंड ही तो किया ना, आसमान से तो नहीं उतरा। तो अब हमें ये तो नहीं मालूम कि इसके साथ 100% लोग हैं कि शून्य हैं। तो कई प्रेसिडेंट ऐसे बने हैं जिनके पास शून्य भी है। अब जहां जिसके पास 100% तो खैर किसी के ना, जिसके पास 50% लोगों का समर्थन है वो तो अच्छा काम करता है, लेकिन जिसके पास शून्य सपोर्ट है वो स्टेट ही शून्य हो जाती है। अब इसमें कौन सी बुरी बात है कांग्रेस लीडरशिप के लिए? इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह से ब्लॉक, इसी तरह से वर्किंग कमेटी। वर्किंग कमेटी में भी नॉर्मली वर्किंग कमेटी के मेंबर को, इलेक्टेड को आप हटा नहीं सकते, लेकिन अपॉइंटेड को आज हटा दिया। आज गुलाम नबी आजाद ने स्टेटमेंट दिया तो गुलाम नबी गायब, लेकिन अगर वर्किंग कमेटी इलेक्टेड हो तो फिर हटा नहीं सकते, तो इसमें कौन सी आपत्ति है भाई, इलेक्टेड। अब इससे पहले केसरी जी से तो कोई कमजोर प्रेसिडेंट था नहीं, लेकिन 1997 में 1.5 साल के लिए रहे, लेकिन इलेक्शन ड्यू था तो उन्होंने वर्किंग का इलेक्शन किया कलकत्ता में। हम ये कह रहे हैं कि 23 साल से इलेक्शन नहीं है। हम जब सरकार में हैं UPA 1 UPA 2 तो शायद सरकार के दम पे पार्टी चलती है, लेकिन जब विपक्ष में है और सरकार सत्ताधारी पार्टी बहुत मजबूत है, उनके पास पावर भी है, सेंटर में है, स्टेट में है, उनके पास संगठन भी मजबूत है, एक संगठन ही 40-45 संगठन है, उनके पास संख्या भी है, उन्होंने वोट बेस भी बहुत बढ़ाया है, तो अगर मेरी पार्टी को 50 साल विपक्ष में बैठना है तो कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है। मुझे तो अब कुछ नहीं बनना, मैं चीफ मिनिस्टर भी बन चुका हूं, 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मंत्री भी रह चुका हूं, वर्किंग कमेटी 34 साल से हूं, जनरल सेक्रेटरी 15 दफा बना हूं, मुझको क्या चाहिए और? लेकिन जिनके लिए हम लड़ते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि इलेक्शन की कीमत क्या है। और हम क्यों कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं इलेक्शन करो, फायदा हमें होगा। कल अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसी को इससे फायदा बनेगा ना, कल किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो उसी को फायदा होगा ना, कल नई जनरेशन को अगर यूनियन मिनिस्टर बनना है तो उन्हीं को फायदा होगा। हम और एक्टिव पॉलिटिक्स में 5-7 साल होंगे तो हमें तो कोई लेने देने, हमें तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, हमें तो पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना है, हम तो सब पद रह चुके हैं।